देखिए बेटा ध्यान से, कल मैंने आपको ये टॉपिक डिस्कस करवा दिया था डिप्रेसेंट का, और मैंने आपको बताया था बस कितना याद करोगे, इसका फंक्शन क्या है। सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू सल्फाइड्स, और ये आप लाइन करेंगे। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसके एग्जाम्पल क्या है, NaCN एंड KCN। बस फिर आपको ये ध्यान रखना है जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, Na2ZnCN4। तो आपको बेटा ऑब्जेक्टिव के वे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ना कि आप सब्जेक्टिव के वे से पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अब आगे करते हैं। इसके बाद कल हमने लीचिंग का टॉपिक भी पूरा डिस्कस कर लिया था। लीचिंग में मैंने आपको ये पूरा करवा दिया था कि बेयर प्रोसेस, ये बॉक्साइट एल्यूमिना को साफ करने के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा भी करवा दिया था मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, वो गोल्ड और सिल्वर की रिफाइनिंग में काम आता है। तो कल का जो लास्ट टॉपिक था वो ये था, ठीक है। तो आज हम इससे आगे का टॉपिक करेंगे, ध्यान से देखिए। तो मेटलर्जी की दो स्टेप्स हमारी पूरी हो चुकी है, अब हम मेटलर्जी की बेटा थर्ड स्टेप पे आते हैं। और जो इसकी थर्ड स्टेप है वो क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की है, दैट इज अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो थर्ड जो है आपकी मेटलर्जी की स्टेप, वो दो पार्ट में पूरी होती है, ए एंड बी में, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, थर्ड का ए पार्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर इंटू मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल का ओर है आपको उसको मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और इसी को हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ मेटल ओर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रोनेशन, डी का मीनिंग है रिमूवल, ठीक है। किसका रिमूवल बेटा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो डी इलेक्ट्रोनेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे ये कह रहा है जो ऑक्सीडेशन है बेटा, ऑक्सीडेशन के दो तरीके होते हैं, आपको ये तो पता ही है ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन दो तरीके से होता है मेटल के ओर का, एक आपका है कैल्सिनेशन और एक आपका है रोस्टिंग, ठीक है। बस जस्ट आपको एक बार पढ़ना है, आपका ये पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा आज, देखिए ध्यान से सभी। तो जो कैल्सिनेशन है, इस मेटल का ओर कन्वर्ट होता है मेटल के ऑक्साइड में, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर बस कंडीशन क्या है, एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब ड्यूरिंग कैल्सिनेशन क्या क्या होगा, तो आप हीट तो उसको करोगे ही ना, मेटल के ओर को हीट करोगे तो सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। अगला पॉइंट, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बिकम एनहाइड्रस। तो बेटा ये आपको पता है मीनिंग क्या है हाइड्रेटेड ऑक्साइड का, जिसके साथ में वॉटर के मॉलिक्यूल्स हो, जैसे मैं यही मान लू Fe2O3 × 3H2O, तो इसके साथ में 3 मोल है ना H2O के, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको हीट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस में निकल जाएगा 3 मोल ऑफ H2O, तो इसका सारा मॉइस्चर तो निकल गया, तो अब ये सॉल्ट हाइड्रेटेड नहीं रहा, अब ये कैसा बन गया, एनहाइड्रस बन गया, ठीक है। आगे ये कह रहा है जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है, अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। जैसे बेटा सल्फर है, ठीक है, तो सल्फर खुद को SO2 में कन्वर्ट करके सारा बाहर चला जाएगा। फॉस्फोरस है, खुद को P4O10 P2O5 बना के सारा बाहर चला जाएगा। तो जो आपका सल्फर है, आर्सेनिक है और फॉस्फोरस है, इन सभी की इम्प्योरिटीज वोलेटाइल होती है, मतलब ये सभी इजिली ऑक्सीडाइज होके बाहर चले जाती है। अगला पॉइंट, तो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार आता है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज किस किस की होती है, ध्यान रखना सल्फर आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। अगला पॉइंट है, अगर बेटा आप कैल्सिनेशन करवा रहे हो तो मान लीजिए आपके पास कोई भी कार्बोनेट ओर है जिसे CaCO3 ही है, तो आप उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO + CO2, तो यहाँ से CO2 गैस रिमूव होती है, और ये आपको पता है जब भी गैस रिमूव होगी तो ओर आपका पोरस हो जाएगा। अगला पॉइंट, कैल्सिनेशन किसमें होता है, तो ये आप याद कर लें, ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में होता है, ठीक है बेटा, इसको आप लाइन कर लें। अब आगे इसके एग्जांपल्स क्या क्या है बेटा, एग्जांपल्स में बार बार आपको कह रही हूँ, आपका मेन फोकस एग्जांपल पे ही होना चाहिए। तो जो कार्बोनेट ओर होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं, और जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, कार्बोनेट ओर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड द मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब के सब बेटा आपके किसके एग्जाम्पल है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन, ठीक है, ये आप कर लेंगे बेटा यहाँ से। अब आगे देखिए, इसके बाद रिया बेटा टाइम से क्लास में आया करो। तो इतना पॉइंट आपका हो गया, CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और पोरस हो जाएगा, रिवर्बरेटरी फर्नेस में होता है, एग्जाम्पल है कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड द मेटल हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आप आगे देखिए बेटा,
व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कैल्सिनेशन? बेटा कैल्सिनेशन के एग्जांपल क्या क्या है? तो अभी हमने करवाया हाइड्रेटेड ऑक्साइड, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे ये है Al2O3 into 2 मोल ऑफ H2O, Al2O3 into 2 मोल ऑफ H2O, इसका नाम होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट को हमने हीट किया तो सारा मॉइस्चर तो निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया Al2O3 प्लस में निकल गया 2 मोल ऑफ H2O, तो ये बॉक्साइट से एल्यूमिना बन गया। अगला एग्जांपल है, ऐसे ही हमने लिया Fe2O3 into 3 मोल ऑफ H2O, इसका नाम होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा Fe2O3 plus 3 mol of H2O, ferric oxide बन गया। फिर next example हमने लिया CaCO3 calcium carbonate limestone, इसको हम बोलते हैं। तो बेटा मैंने बताया ना, जितने भी hydrated oxides हैं और जो आपकी carbonate ore है, तो carbonate ore में क्या आ गया CaCO3, इसको heat करोगे तो भी क्या बनेगा CaO plus liberate होगी CO2 gas। फिर fourth आपका dolomite है CaCO3 into MgCO3, इसको भी हमने heat किया तो क्या बन जाएगा CaO plus MgO plus CO2। नेक्स्ट आपका मैलाक्चीट है CuCO3 into CuOH की होल ट्वाइस, तो इससे बन गया CuO plus H2O plus CO2। तो आप सब में एक बात और देख रहे होंगे, सभी मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, जैसे कि CaO बन गया, Fe2O3 बन गया, सभी में मेटल का ऑक्साइड ही फॉर्म हो रहा है। बेटा किसी बच्चे को कहीं भी डाउट हो ना, देन प्लीज रेज योर हैंड, ओके? तो CaO हो गया, CuO हो गया, Fe2O3 हो गया, सभी में मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, इट मींस ये सभी में कैल्सिनेशन हो रहा है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है ZnCO3, जो कैलामाइन होता है, इसको भी हीट किया तो ये क्या बन गया ZnO plus CO2 बन गया, ठीक है? तो इन सभी में या तो CO2 गैस रिमूव हो रही है या मॉइस्चर रिमूव हो रहा है, और आपका एनहाइड्रस बन रहा है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है वो रिमूव होके चली गई है। आगे है ड्यू टू रिमूवल ऑफ CO2 गैस और बिकम पोरस एंड इट टेक्स प्लेस हीटिंग स्ट्रॉन्गली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हमें इसको बहुत ही स्ट्रॉन्गली हीट करना है, लेकिन इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए टेम्परेचर, अदरवाइज फिर नहीं हो पाएगा ये। आगे है आपका रोस्टिंग का टॉपिक। अभी हमने ऑक्सीडेशन का पढ़ा, कैल्सिनेशन मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन दो तरीके से होता है, एक तो कैल्सिनेशन और एक आपका रोस्टिंग। तो बेटा कैल्सिनेशन हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, कैल्सिनेशन में क्या होता है मेटल और कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ओके, ये आप कर ही लोगे। तो अब आप आगे देखिए, इसके बाद रोस्टिंग अब हम पढ़ रहे हैं। रोस्टिंग के केस में क्या होगा बेटा, अब रोस्टिंग हमने अभी कैल्सिनेशन पढ़ा, कैल्सिनेशन में तो ये था कि जो मेटल का ओर है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, डिफरेंस सिर्फ कितना है, वहां पर तो एयर बहुत ज्यादा थी, कम थी बेटा, लेकिन यहाँ पे एयर आपकी एक्सेस में है, देयर इज एक्सेस ऑफ एयर, सिर्फ यही तो डिफरेंस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का, ठीक है। अब अगर मैं कंडीशंस दोनों की कंपेयर करती हूँ ना, तो वो कंडीशंस आपकी बिल्कुल सेम रहती है, मतलब जो जो रोस्टिंग कैल्सिनेशन में हुआ वही सारी प्रोसेस आपकी रोस्टिंग में भी होती है। जैसे कि पहला आपका हुआ मॉइस्चर इज रिमूव, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। सेकेंड, अभी मैंने बताया था आपको वोलेटाइल इम्प्योरिटीज किस किस की होती है, आप लर्न करें, ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए बेटा। सल्फर हुआ, आर्सेनिक हुआ, फॉस्फोरस हुआ, तो सल्फर का ऑक्साइड SO2 हो गया, आर्सेनिक का AH2O3, फॉस्फोरस का P4O10, तो पहले के सारे ऑक्साइड बनाएंगे और फिर ये ऑक्साइड है वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, ये सभी वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये सारे वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आपकी रिमूव हो जाएगी। मोस्टली में यहाँ पे SO2 गैस रिमूव होती है, अब गैस निकल रही है तो और आपका पोरस हो जाएगा, और पर्पज इसका भी सेम है कि मेटल ओर को आपको कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड्स में, ठीक है। अब एग्जांपल आपके क्या क्या है बेटा रोस्टिंग के, तो रोस्टिंग का एग्जांपल है ऑल काइंड ऑफ सल्फाइड ओर। एग्जांपल पे फोकस आपका सबसे ज्यादा होना चाहिए। कैल्सिनेशन किस किस का हुआ था बेटा, कार्बोनेट ओर का, मेटल ऑक्साइड्स का और मेटल हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स का। अब ऐसे आपको याद होना चाहिए रोस्टिंग कहाँ पे करते हैं, रोस्टिंग हम करते हैं इन केस ऑफ सल्फाइड ओर्स, ठीक है, ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा। उसके बाद आगे आप देखिए, अब ये भी हम किस में करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही करेंगे, ओके, इट आल्सो कैरीड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। अब आगे ये एग्जांपल्स आप देख लीजिए, इन सभी में सल्फाइड ओर ही तो है, ZnS जिंक ब्लेंड, PbS, ठीक है, PbS का नाम होता है गैलीना, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये आ सकते हैं बेटा, ठीक है, जिंक ब्लेंड हो गया, गैलीना हो गया,
CU2S है, CuFeH2 कॉपर पाइराइट्स है, तो सभी में सल्फाइड और है, S है साथ में, प्लस हमने लिए O2, प्लस में हमने क्या लिया O2, तो ZnS प्लस O2 क्या बन गया, ZnO प्लस SO2, ठीक है। PbS प्लस O2 से क्या बन गया, PbO प्लस SO2, सभी में पर्पज तो सेम ही है, सल्फाइड से ऑक्साइड और बनना है आपका। बेटा कहीं किसी को डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। तो Cu2S है, यहाँ भी Cu2O बन गया, CuFeH2। ये बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एक ऐसा मेटल का ओर है जिसमें दो मेटल प्रेजेंट है, इसमें कॉपर भी प्रेजेंट है और आयरन भी प्रेजेंट है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये कॉपर पाइराइट है, तो इससे कॉपर ऑक्साइड बनेगा और आयरन ऑक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ से SO2 गैस है वो रिमूव होगी। ओके, तो ये आप कर लेंगे बेटा, बस आपको दो तीन बातें ध्यान करनी है। एक्सेस में एयर होगी, सल्फाइड और हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। बस ये दो बातें आपको मेन ध्यान रखनी है, SO2 गैस यहाँ से रिमूव होती है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज भी रिमूव हो जाती है। तो अब इसके बाद आगे आप लोग देखिए, रोस्टिंग के बाद अब बेटा फ्लक्स क्या होता है। सो फ्लक्स इज ए सब्सटेंस विच कंबाइंड विद गैंग और इम्प्योरिटीज। बेटा फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो इम्प्योरिटीज के साथ खुद को जोड़ता है और उससे स्लैग की फॉर्मेशन हो जाती है। इट इज ए सब्सटेंस विच कंबाइंड विद गैंग इम्प्योरिटीज टू फॉर्म स्लैग, ठीक है। स्लैग क्या होता है, एक फ्यूजिबल में, इसका मतलब क्या है बेटा फ्यूजिबल मटेरियल का, कि मोल्टन मास होता है, हमें अलग ही दिख जाएगा ये स्लैग पड़ा हुआ है इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स प्लस गैंग से क्या बनता है, स्लैग की फॉर्मेशन होती है, फ्लक्स प्लस गैंग फॉर्म स्लैग। अब बेटा फ्लक्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स और एक होता है बेसिक फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स आर ऑफ टू टाइप, एसिडिक और बेसिक। अब एसिडिक फ्लक्स के एग्जाम्पल क्या है ये आपको याद होना चाहिए बेटा, यहाँ पर यही तो बात मेन है। एसिडिक फ्लक्स के एग्जाम्पल है सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, और दूसरा है बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2b4o7 × 10 mol of H2O। तो ये आपके एग्जाम्पल हुए दोनों एसिडिक फ्लक्स के, सिलिका एंड बोरेक्स। और अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक फ्लक्स की, तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है बेसिक फ्लक्स के, तो जैसे पहला आपका हुआ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3, CaO, MgO, Fe3O4। आप देख पा रहे हो सारी मेटल्स है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, और मेटल की सोल्ट आपको पता है कैसा होता है नेचर मेटल का, बेसिक। मेटल ऑक्साइड भी कैसा होता है, बेसिक। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है बेसिक फ्लक्स के, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आगे आप देखो, अगर आपकी इम्प्योरिटीज बेसिक है, ठीक है, फॉर बेसिक इम्प्योरिटीज वी यूज एसिडिक फ्लक्स, और अगर एसिडिक इम्प्योरिटी होगी तो वी यूज बेसिक फ्लक्स। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, बेसिक इम्प्योरिटी में एसिडिक फ्लक्स यूज होगा और एसिडिक इम्प्योरिटी में बेसिक फ्लक्स यूज होगा, ठीक है। अब आगे आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया CaO प्लस SiO2, ठीक है। यहाँ पर SiO2 मेरा काम कर रहा है एसिडिक फ्लक्स का, तो फिर गैंग मेरी यहाँ पे कैसी होगी, बेसिक होगी। अगर फ्लक्स आपका एसिडिक है तो आपकी इम्प्योरिटी गैंग कैसा होगा, बेसिक होगा। तो मैंने यहाँ CaO लिया, तो CaO प्लस SiO2 क्या बन गया, ये CaSiO3, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सिलिकेट होगा, ठीक है। तो कैल्शियम सिलिकेट क्या है, एक स्लैग है, एक मोल्टन मास है। ऐसी अगला एग्जाम्पल आपका हो गया FeO प्लस SiO2, फिर से आपका SiO2 क्या है, एसिडिक फ्लक्स है, तो FeO यहाँ पे क्या होगा, बेसिक होगा और ये गैंग का काम करेगा। तो FeO प्लस SiO2 से फिर से क्या बनेगा, FeSiO3, फेरस सिलिकेट स्लैग का काम ये करेगा। बेटा अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने ये लिया SiO2 प्लस CaCO3, SiO2 प्लस CaCO3, तो यहाँ भी क्या बनेगा, CaSiO3 प्लस में CO2 निकल गया। ऐसे हमने लिया SiO2 प्लस MgO, तो यहाँ भी क्या बन गया, MgSiO3। तो इन दोनों एग्जाम्पल में चाहे CaCO3 हो चाहे आपका MgO हो, आप देख सकते हो ये दोनों ही कैसे हैं, बेसिक है। तो ये आपका बेसिक फ्लक्स हुआ CaCO3 एंड MgO। अब इसमें एसिडिक इम्प्योरिटी जाएगी, तो यहाँ एसिडिक इम्प्योरिटी किसकी है, SiO2 की है, तो स्लैग की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। बेटा आप सभी को समझ में आ रहा है, प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ये चैप्टर बेटा पहले पढ़ा हुआ तो है, रिवीजन कर रहे हैं इसका, रिया, लक्षा, शीतल, निधि, ओके, जतिन, वेरी गुड बेटा,
ठीक है पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र बेटा डेली आप क्लास में आया करें, बहुत कम आते हो। विशाल ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ना बीच में, मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ प्रियांशी का। प्रियांशी बेटा आपसे क्वेश्चन है, बताएंगे? एक बार अनम्यूट करें आप खुद को। प्रियांशी बेटा एक बार अनम्यूट करें आप। प्रियांशी आपको सुनाई दे रहा है बेटा, खुद को अनम्यूट करो। यस मैम, यस ओके बेटा, समझ में आ रहा है? मैम। गरिमा वीडियो भी ऑन करो अपनी बेटा। बंद कर लो ना आवाज उसको। हाँ इनसे अलग बैठ जाया करो, इन छोटे बच्चों का काम ही यही बड़े भाई बहन को डिस्टर्ब करना। अच्छा बेटा ये बताओ प्रियांशी हम क्या पढ़ रहे हैं? बताइए बेटा, नहीं दिख रहा क्या आपको? मतलब बिल्कुल कंफ्यूज जाते हो मैम क्वेश्चन पूछते ही ना। चलिए कोई बात नहीं, तुम क्लास में आया करो, बाकी ठीक है मैं ही पढ़ा देती हूँ तुम्हें। देखिए ध्यान से, तो बेटा ऑक्सीडेशन के दोनों मेथड्स आपके पूरे हो चुके हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन के बाद थर्ड की बी स्टेप है रिडक्शन, ठीक है। तो आप लोग यहां से देखिए, थर्ड की बी स्टेप क्या है आपकी? कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ठीक है। मतलब यहां पर रिडक्शन होगा मेटल के ऑक्साइड का। अब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या कहलाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मीनिंग ही क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोनेशन होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो आप सभी बच्चे बेटा इस स्टेप को ध्यान से देखें, रिडक्शन आपका तीन स्टेप में पूरा होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी। दीज आर द थ्री स्टेप्स ऑफ रिडक्शन, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड हाइड्रोमेटलर्जी। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी हम किसकी करते हैं? जो मेटल्स लाई करती है इन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल लाइज इन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, तो वहां पर हम करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब बेटा आगे जो मेटल लाई करती है इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो टॉप में करेगी वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी है और जो मिडल में लाई करेगी वो पायरोमेटलर्जी के थ्रू रिडक्शन होगा, और जो मेटल सबसे बॉटम में होती है रिएक्टिविटी सीरीज में उनका रिडक्शन हाइड्रोमेटलर्जी से होगा। तो बेटा शायद आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल का करते हैं, बेटा बीच वाले की रिएक्टिविटी जो होगी उसका पायरोमेटलर्जी करेंगे, और जिनकी सबसे कम रिएक्टिविटी है मान लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इन सबकी हम हाइड्रोमेटलर्जी करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं सारे लिखा हुआ है, मेटल लाई इन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, पायरोमेटलर्जी में क्या है? मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, और हाइड्रोमेटलर्जी में क्या है? बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। उसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी है ये किसकी करते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। पायरोमेटलर्जी किसकी करेंगे? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की। और हाइड्रोमेटलर्जी किसकी होगी? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी किस किस की होती है जो टॉप में है? अब टॉप में कौन कौन है? सोडियम हो गया, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, तो इन सब की हम करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब बेटे जो मिडल की है लाइक है जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन है, कॉपर है, क्रोमियम है, इन सब की हम करते हैं पायरोमेटलर्जी, और भी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सब की हम करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। तो इतना आप लोग कर लेंगे बेटा। तो अब देखिए मैंने एग्जाम्पल किया हुआ एक इलेक्ट्रोलाइसिस का, इलेक्ट्रोमेटलर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया हुआ है
मोल्टन NaCl का, NaCl कर दो या MgCl2 का कर दो, तो आपको ये ध्यान रखना है इसको हम डाउन प्रोसेस से करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है NaCl का और MgCl2 का, दैट इज डन बाय डाउन प्रोसेस, ठीक है। अब बेटा डाउन प्रोसेस में क्या होता है, मान लीजिए हमने लिया NaCl, ठीक है, अब जैसे ही हीट होगा तो मेल्ट होगा, मेल्ट होते क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। अब देखिए बेटा कैथोड जो है ना, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब रिडक्शन किस किस का है बेटा, जैसे हमने ये लिया Na पॉजिटिव, अब ये Na पॉजिटिव आयन कहाँ से आया, NaCl में से आया, कहाँ से आया बेटा, NaCl में से आया। तो जो ये Na पॉजिटिव है इससे अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, तो ये क्या गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन, और खुद को इसने क्या बना लिया, Na सॉलिड बना लिया, क्या बना लिया इसने, Na सॉलिड बना लिया, तो यहाँ सारा सोडियम डिपॉजिट हो गया। तो बेटा वैसे सुन लिया आप एक मिनट के लिए, फिर नया टॉपिक ही निकालना है। तो सारा सोडियम डिपॉजिट हो गया और जो Cl नेगेटिव है ना वो क्लोरीन गैस बनके बाहर चला जाएगा। तो मीन्स आपको इतना यहाँ पे याद रखना है कि बेटा जो आपका NaCl है सोडियम डिपॉजिट हो गया, क्लोरीन बाहर चला गया। सेम तुम MgCl2 भी लेते ना तो सारा आपका मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाता और सारा क्लोरीन आपका निकल जाता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता है, ओके। अब इसके बाद आगे आप लोग देखिए नेक्स्ट, तो बेटा हमने इलेक्ट्रोमेटलर्जी तो कर लिया, अब हम यहाँ पे करेंगे पायरोमेटलर्जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पायरोमेटलर्जी, ठीक है। तो देखिए आप सबको दिखाई दे रहा है बेटा, ये बताइए मुझे एक बार, सबको ये दिखाई दे रहा है, सेल्फ रिडक्शन, शो मी योर थंब इंप्रेशन, ओके बेटा, ठीक है ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा यहाँ एक दो स्टेप्स पॉइंट मिसिंग है बीच में पेज, चलिए अब जो है वो पढ़ लीजिए। पायरोमेटलर्जी किस किस की करते हैं, कॉपर की करते हैं, जिंक की करते हैं, लेड की करते हैं, बस आप इतना भी आ तो सफिशियंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बेटा तरीके कई हैं रिडक्शन करने के, बेटा इसमें एक मेन पेज आपका मिसिंग है, आपके पास नोट्स होगा उसमें देख लेना, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। तो बेटा वहां मैंने आप लोगों को दो प्रोसेस करवा रखी है, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, गोल्ड स्कैमेडिट थर्माइट प्रोसेस। पुष्पेंद्र यादव बेटा 1 मिनट, हाँ बेटा पुष्पेंद्र बोलिए, आप लोगों को करवा रखा होगा, उसमें दो तीन रिएक्शन होगी, आप ध्यान से देखिए। एक तो होगी Cr2O3+2mol of Al, उससे बन रहा होगा Al2O3+2mol of Cr, और एक आप लोगों का होगा Fe2O3+2mol of Al, इससे आपका बन रहा होगा Al2O3+2mol of Fe। अब जो ये Fe2O3 वाले रिएक्शन है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, ये वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में काम आती है, ओके ठीक है। और दूसरी जो रिएक्शन है Cr2O3 वाली, उसको हम बोलते हैं गोल्ड स्कैमेडिट थर्माइट प्रोसेस। आप लोगों के पास क्या ये नोट्स अवेलेबल है बताइए मुझे, शो मी योर थंब इंप्रेशन, आप लोगों के पास ये नोट्स अवेलेबल है जिनकी मैं बात कर रही हूं। सिर्फ एक बच्चे ने कहा, लक्षा ने ओनली, बाकी के नोट्स कहाँ है, ठीक है। प्रियांशी, पुष्पेंद्र, शीतल, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अब आप ये देख ले यहाँ पे, ओके बेटा, ये चार पांच बीच के मिसिंग है, बट वो है आसान आसान। एक रिडक्शन आपका हाइड्रोजन से होगा, एक रिडक्शन वाटर गैस से होगा। वाटर गैस क्या होती है, CO+H2, CO+H2, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। अब बेटा आप लोगों से रिएक्शन तो करवाएंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो आएगा, तो आप लोग बेशक इनके रिएक्शन याद मत करो, आप लोग बस ये याद कर ले सभी,
किस किस का अपने आप रिडक्शन हो जाता है। आपको मतलब समझ में आ रहा है, सेल्फ रिडक्शन है मीन्स खुद इनका रिडक्शन हो रहा है, तो आप बस ये याद कर ले किस किस का सेल्फ रिडक्शन होता है। तो पहला आपका है PPS, लेड सल्फाइड, जिसे हम गैलीना बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन को लाइन मत करना आप लोग। तो PPS है गैलीना, पहले ये खुद को PBO में कन्वर्ट कर लेता है, फिर ये जो PBO बना है ये बचे हुए PPS से रिएक्ट करके PB बना देता है। तो जो गैलीना आपका है PBS, जो आपका सिनेबार है HGS, और जो आपका CU2S है, इन तीनों का सेल्फ रिडक्शन होता है या ऑटो रिडक्शन होता है, ये बात आप ध्यान कर ले, याद कर ले। अब बेटा इसके बाद फोर्थ स्टेप देखिए मेटलर्जी की। हमने रिडक्शन किया, रिडक्शन से पर्पज हमारा क्या पूरा हुआ कि जो मेटल का ऑक्साइड था ना वो मेटल में कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू मेटल। ओके, अब हमें इसकी करनी है प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग, क्योंकि अभी हमें जो मेटल मिली है ना वो 100% प्योर आपकी अभी नहीं है, तो हमें उसको 100% प्योर करना है, तो हमें उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। तो मेटलर्जी की फोर्थ स्टेप आपकी है प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो बेटा बहुत सारी इसकी प्रोसेस है, वो क्या क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहली है लिक्वेशन, तो आप लोग ये याद करें जो लिक्वेशन है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो जिस केस में मेटल का तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, जहां पर मेटल का तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, उनका हम लिक्वेशन करते हैं। एग्जाम्पल आप याद करें, टिन हो गया, लेड है, मरकरी है, बिस्मथ है, टिन, लेड, मरकरी एंड बिस्मथ। ठीक है, अगला है बेटा डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है, लो बॉइलिंग मेटल, इसका मतलब ये है जिन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनका हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। एग्जाम्पल है ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, यहाँ मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और इंप्योरिटीज का ज्यादा है। बेटा थर्ड पॉइंट क्या है, क्यूपिलेशन। अब क्यूपिलेशन टेक्निक में क्या होगा, जो मेटल है इट कंटेन इंप्योरिटीज ऑफ अदर मेटल, मेटल में इंप्योरिटी भी अदर मेटल की ही होगी लेकिन वो वोलेटाइल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल कंटेन्स इंप्योरिटीज ऑफ अदर मेटल्स विच फॉर्म वोलेटाइल ऑक्साइड। बेटा फॉर एग्जाम्पल लेड हुआ PP, हम PB को किस में से रिमूव करवाते हैं, PBO में से। ठीक है, सॉरी बेटा, PP रिमूव फ्रॉम सिल्वर, हम लेड को सिल्वर में से रिमूव करवाते हैं। कैसे, क्योंकि जो आपका लेड है PBO वो वोलेटाइल नेचर का होता है, तो एक मेटल जो है वो इम्प्योरिटी कंटेन करती है दूसरे मेटल के वोलेटाइल ऑक्साइड को, उसको अलग करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, क्यूपिलेशन का यूज करते हैं। बेटा उसके बाद नेक्स्ट आपकी है पोलिंग। पोलिंग में क्या होता है, जो आपकी इम्प्योर मेटल्स होती है ना दे कंटेन इम्प्योरिटीज ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। अभी जो थर्ड आपने पढ़ा था, जो फोर्थ आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम सेम से ही है। यहाँ पर इम्प्योर मेटल है, इट कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका CU2O है, अब ये CU2O किसमें प्रेजेंट होता है, ब्लिस्टर कॉपर में। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया SnO2, SnO2 किसमें, इम्प्योर टिन में। ठीक है, तो ये आपका पोलिंग का प्रिंसिपल हुआ, और पोलिंग हम कैसे करते हैं, ग्रीन लॉग ऑफ वुड लेके। अब बेटा आगे आप देखिए फिफ्थ आपका है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या होगा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। और इसका प्रिंसिपल ये है कि जो आपकी मेटल्स हैं वो तो सोल्यूबल होती है सॉलिड स्टेट में, बट जो इम्प्योरिटीज है वो सोल्यूबल होती है मोल्टन स्टेट में। ठीक है बेटा, मेटल सोल्यूबल यहाँ पे होती है सॉलिड स्टेट में, और इम्प्योरिटीज यहाँ पे सोल्यूबल होती है मोल्टन स्टेट में। अब जोन रिफाइनिंग से हम कैसे मेटल ऑब्टेन करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, तो अल्ट्रा प्योर एलिमेंट्स या अल्ट्रा प्योर मेटल, जो बिल्कुल ही आपकी प्योर मेटल्स होती है अल्ट्रा प्योर मेटल्स, उनको बेटा हम यहाँ से रिमूव करते हैं ऑब्टेन। तो एग्जाम्पल देख लो, जितने भी सेमी कंडक्टर्स है, ऑल काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर्स आर प्योरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग। सारे सेमी कंडक्टर है लाइक एज सिलिकन हुआ, जर्मेनियम हुआ, गैलियम हुआ, आर्सेनिक है, इंडियम है, एंटीमनी है,
सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, इंडियम, एंटीमनी, ऑल ऑफ दीज आर सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। और इन सबको हम साफ किससे करते हैं, जोन रिफाइनिंग से करते हैं। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें क्या है, एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी के बेस पे मेटल के ओर को और उसकी इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। भाई या तो मेटल का ओर है वो पूरा चिपक जाएगा सरफेस पे, इम्प्योरिटी रह जाएगी, या सारी इम्प्योरिटीज चिपकती है सरफेस पे और मेटल अलग रह जाता है। तो या तो मेटल का ओर या उसकी इम्प्योरिटी, उन दोनों में से उनके एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी के बेस पे उन दोनों को अलग किया जाता है, ठीक है। तो बेटा क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इट बेस्ड ऑन द सेलेक्टिव डिजॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बिटवीन द टू फेज आर कॉल्ड मूविंग एंड स्टेशनरी फेज। बेटा मूविंग फेज लिक्विड स्टेट का ही होगा और जो स्टेशनरी फेज है वो आपका सॉलिड स्टेट का भी हो सकता है, लाइक सिलिका जेल हो गया SiO2, एल्यूमिना आपका हो गया Al2O3, ठीक है। तो मूविंग फेज लिक्विड स्टेट का होगा और स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड स्टेट का होगा। साथ में हम यूज करते हैं एल्यूमिना Al2O3 का, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एनिमल चारकोल, सेलुलोज, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है लास्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस और मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब बेटा ये हुआ, वो इलेक्ट्रोलाइट जिनका एक्वस या मोल्टन सॉल्यूशन है उनमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उसकी हेल्प से मेटल को हम रिफाइन कर लेते हैं। इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब बायपासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। किस किस का बेटा, एक्वस सॉल्यूशन का एंड मोल्टन सॉल्यूशन का। मोल्टन का मीनिंग पता है ना, पिघला हुआ जो होता है। तो अब देखिए सेटअप यहाँ पे हमने कर रखा है, कुछ ऐसा ही सारे सेटअप आपके होंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमने एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, ये इसकी वाल लगा रखी है हमने यहाँ पे, ये इसकी इंसुलेटेड वॉल है, ओके। अब इस बीकर में हमने यहाँ पे क्या भरा हुआ है, बीकर में हमने भरा हुआ है ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें कि कॉपर सल्फेट होता है 95% और H2SO4 सिर्फ होता है 5%, ठीक है। अब बेटा हमने यहाँ पे दो रोड ले ली, चाहे वो कॉपर की हो चाहे वो जिंक की हो, ठीक है। दो रोड हमने ली, हमने दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक को जोड़ा बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से, एक को जोड़ा बैटरी के नेगेटिव पार्ट से, ठीक है। सेटअप पूरा हो गया आपका। अब इसके बाद क्या होगा, हम इसमें क्या डाल रहे हैं, सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का, साथ में कुछ एक ड्रॉप किसके डाल रहे हैं, H2SO4 की। तो CuSO4 टूटना शुरू किस किस में, CO2 पॉजिटिव में और SO4 नेगेटिव में। तो CU2 पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आयन कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव रोड की तरफ, और नेगेटिव आयन्स कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है बेटा। तो अपोजिट साइड में आयन्स का मूवमेंट होगा, प्लस पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव आयन आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो आपका इम्प्योर एनोड है वो प्योर एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे पूरा ये आपका इम्प्योर से प्योर हो जाएगा। और एनोड मड, जो भी बेटा एनोड में इम्प्योरिटी थी, क्यों हमने एनोड इम्प्योर फॉर्म में ली थी ना, तो जो भी इसमें इम्प्योरिटी थी वो सारी कहां नीचे बैठ जाती, किस फॉर्म में, एनोड मड की फॉर्म में। इसको हम एनोड मड बोलते हैं या एनोड स्लज बोलते हैं, ठीक है, एनोड मड या एनोड स्लज इसको हम बोलते हैं, ओके। तो ये आपकी वर्किंग हुई बेटा किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। तो बेटा आज का टॉपिक हम यहीं तक ही करते हैं, थैंक यू सो मच।